फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की एक पोएम के बारे में, जिसका नाम है द एकोइंग ग्रीन। ये पोएम उनकी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश की गई थी। पोएम 30 लाइन्स की है और 3 10 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। साथ ही हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है AABBCCDDEE। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पोएम की थीम की, तो इस पोएम में दो तरह की थीम्स को दिखाया गया है। पहली थीम तो है नेचर, नेचर की जो ब्यूटी है, जो उसकी हैप्पीनेस है, और वो हैप्पीनेस वहाँ मौजूद जितने लोग हैं उनमें नज़र आ रही है। और साथ ही यहाँ एक और थीम को दिखाया गया है, जो है द साइकिल ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी कैसी बीतती जाती है, कैसे लोग छोटे बच्चे रहते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो बूढ़े हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें पोएट की, तो विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट थे रोमांटिक एज के। उनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 में और उनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के लिए, और उनकी अदर फेमस वर्क्स में द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जोआज, जेरूसलम, मिल्टन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोयम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, यानी ये जो सूरज है वो उगता है और पूरे आसमान को वो खुश कर देता है, कैसे, तो अपनी रोशनी बिखेर कर। द मेरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, अब ये मेरी बेल्स क्या हैं, तो चर्च की जो घंटियाँ होती हैं उनकी आवाज़ को कहा जा रहा है कि जो चर्च की घंटियाँ हैं, जो मेरी बेल्स हैं, वो बज रही हैं, उनकी साउंड आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो कि ये घंटियाँ जो हैं वो स्प्रिंग के मौसम का स्वागत कर रही हैं। द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश, फ्रेंड्स स्काई लार्क और थ्रश जो होती हैं ये दोनों ही बहुत ही हाई फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, और बर्ड्स ऑफ बुश यानी ऐसी पक्षी जो कि बुश में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, जैसे कि स्पैरोज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों ही तरह के पक्षी, चाहे वो ऊंचे हवा में उड़ते हों या वो नीचे झाड़ियों में रहते हों। सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से गाने गा रहे हैं, कैसे, तो इन घंटियों की जो ब्यूटीफुल, जो मधुर साउंड है उसके साथ। वाइल आवर स्पोर्ट शैल बी सीन ऑन द एकोइंग ग्रीन, और इन चीज़ों के साथ ही कुछ और भी नज़र आ रहा है, वो क्या है, तो हमारे स्पोर्ट्स यानी हमारा खेलना कूदना, और वो भी कहाँ, तो इस ग्रीन प्लेग्राउंड पर, जो कि कैसा है, एकोइंग ग्रीन है। अब फ्रेंड्स, ग्रीन के साथ एकोइंग वाली ये एडजेक्टिव क्यों लगाई गई है, तो एको का यूजुअली मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से, लेकिन यहाँ ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस दिखा रहा है। और ये हैप्पीनेस किसकी है, तो उन छोटे बच्चों की जो वहाँ पर ये गेम खेल रहे हैं। ओल्ड जॉन विथ वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर, यानी ओल्ड जॉन यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया जा रहा है जिसके सफ़ेद बाल हैं और वो अपनी सारी परेशानियों को भूल कर यूं ही हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं। Sitting under the oak among the old folk, यानी वो ओक के पेड़ के नीचे बैठे हैं और साथ ही उनके साथ हैं जितने भी ओल्ड फोक हैं, जितने भी बूढ़े लोग हैं, वो उनके साथ बैठे हुए हैं। किसके साथ, तो इस जॉन के साथ। They laugh at our play and soon they all say, यानी वो हमारा खेलना कूदना देखकर हंसते हैं और बहुत जल्द ये कहते हैं। Such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green, यानी ये जो जॉन है, ओल्ड जॉन, ये कहते हैं कि एक ऐसा भी समय था, ऐसी खुशियाँ थी जब हम सभी बूढ़े लोग क्या थे, गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, यानी तुम ही लोगों की तरह छोटे बच्चे थे और हम भी यूं ही खेलते कूदते नज़र आते थे इस ग्रीन, एकोइंग ग्रीन प्लेग्राउंड में, यानी अब तुम यहाँ खेलते हो, कभी हम यहाँ खेलते थे। और इस तरह से एक साइकिल ऑफ लाइफ चलती है कि हर इंसान का समय बीतता जाता है और उसे कोई और रिप्लेस कर देता है। टिल द लिटिल वंस वियरी नो मोर कैन बी मेरी,
यानी तब तक जब तक कि ये जो छोटे बच्चे हैं ये वियरी नहीं हो जाते, थक नहीं जाते और उनमें इतनी ताकत नहीं बचती कि वो मेरी रहें, यानी वो खुश हो जाएं। द सन डज डिसेंड एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, यानी जो सूरज होता है वो नीचे उतर जाता है यानी डूब जाता है, और उसी के साथ जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, हमारी खेल कूद हैं, वो भी एंड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी अपनी अपनी माओ के गोद में, लैप्स यानी गोद में, कई भाई बहन जो हैं वो अपनी माओ के गोद में चले जाते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि किसी नेस्ट में, घोंसले में चिड़िया हैं जो कि आराम करने को तैयार हैं, बिल्कुल वैसे ही वो अपनी माँ के गोद में रहते हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और अब जो स्पोर्ट्स हैं, जो खेल कूद हैं, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, कहाँ तो इस डार्कनिंग ग्रीन पर, यानी वहाँ जहाँ अंधेरा हो रहा है, इस ग्रीन प्लेग्राउंड पर। थोड़ी देर पहले ये एकोइंग ग्रीन था, हैप्पीनेस और जो बच्चों का साउंड था उसे डिनोट करता था, लेकिन चूंकि अंधेरा हो चुका है तो ना वहाँ पर हैप्पीनेस है, ना बच्चों का शोरगुल है, और कह सकते हैं कि इसी के साथ एक जो साइकिल है वो ख़त्म हो जाती है। अगले दिन दोबारा सुबह होगी और फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है। पोयम दो तरह की चीज़ों को बताती है, एक तो ये कि एक नई सुबह किस तरह की खुशी लेकर आ रही है, और दूसरी बात ये कि कैसे साइकिल ऑफ लाइफ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी विलियम ब्लेक की पोयम द एकोइंग ग्रीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।